कराची जो है ये एक शहर नहीं है, ये कराची जो है ये पूरी दुनिया है। सब्सक्राइब अल बयानेट ट्यूब ऑफिशियल। बात पहुंचेगी और ये सारे मजलिस के करने का काम है, नमाजी भी बन जाए, तालीम हल्का करने वाली भी बन जाए, अल्लाह का फिक्र करने वाली भी बन जाए, घरों के अंदर औरतों के अंदर भी ये चीज आ जाए। जब ये सारी चीज आनी शुरू होगी तो माशरत मामलात ये सारी चीजें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बहुत सेहत के रुख के ऊपर आ जाएंगी। और जितनी परेशानी पूरे आलम के अंदर हो रही है ये परेशानी अल्लाह पाक अपने फजल करम से दूर कर देंगे। और देखो हमें किसी का बेड़ा गर्क नहीं करना, हमें सबके बेड़े पार कर दें। हम नियत ये करें कि सबके बेड़े हमें पार कर दें। और बेड़े पार कब होंगे? जब लोग अल्लाह की ताकत को तस्लीम करें। और अल्लाह की तस्लीम कराने के लिए हमें उनके पास जाना होगा, उनको समझाना होगा। हमारा ये दावत का जो काम है ये अमली तौर पर पूरे आलम के अंदर पहुंचे, उसके असरात पड़ रहे। खुदा का इनकार करने वाले इकरार करने वाले बने। अब हमें इंतजार है इस बात का कि जो एक से ज्यादा खुदा मानने वाले हैं अल्लाह की मेहरबानी उनके ऊपर भी हो जाए और वे एक अल्लाह की ताकत को तस्लीम करने वाले बने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ये दर्द भरा जो काम इस उम्मत ने छोड़ा, इसके बिना पर आज कितने लोग बगैर कलमे के बगैर ईमान के मर मर के हमेशा की जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। और इसका हमारे दिलों में कोई गम नहीं, इसका हमारे दिलों में कोई फिक्र नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के पास जाते थे मक्का मुकर्रमा वाली जिंदगी में और वो रसूल करीम सरसों को धक्का मारता था, आपको गिरा देता था। उस वक्त आप खामोश हो जाते थे, फिर दूसरी मंजिल में जाते थे। अब धक्का मारने वालों से बज़माने हाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि तुमने तो मेरे को बार बार धक्का मारा लेकिन मैं तुम्हारे पास बार बार इसलिए आता हूँ कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ और मरने के बाद वाली जिंदगी हक है। तुमने तो मेरे को बार बार धक्का मारे, मैं तुम्हारे पास बार बार इसलिए आता हूँ कि तुमने अगर मेरा तरीका और मेरा दीन ले लिया तो कब्र के अंदर फरिश्तों के धक्कों से तुम बच जाओ और कयामत के दिन फरिश्तों के धक्कों से तुम बच जाओ। तुम्हारे धक्के बार बार खाकर मैं तुम्हारे पास आता हूँ ताकि मेरा तरीका और मेरा दीन ले लो और तुम फरिश्तों के धक्कों से बच जाओ। इसको तफसीर से कहो तो हर एक को रोना आता है इस पर। और अल्लाह पाक भी तसल्ली देते हैं अल्लाह मेरे प्यारे नबी, क्या आप अपने आप को हलाक कर दोगे अगर ये ईमान न लाए? ईमान को ऐसी गिरी बड़ी चीज है जो ऐसे ना कदरों को हम दे दें। ईमान तुम कदर जानो दिया करते, आप इतना बेचैन क्यों होते? रसूल करीम सल्लम इतनी ज्यादा रोने की बात है जो इस वक्त मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ध्यान से सुनो। जिस पाक तरीके और पाक दीन के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के धक्के बार बार खाए, जिस पाक तरीके और पाक दीन के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के धक्के बार बार खाए, आज वो पाक तरीका और पाक दीन मुसलमान के घर से धक्के खा रहा है और मुसलमान के कारोबार से धक्के खा रहा है और मुसलमान की शादी से धक्के खा रहा है और मुसलमान के चेहरे से धक्के खा रहा है और मुसलमान के कपड़ों से धक्के खा रहा है। वो पाक तरीका और पाक दीन मुसलमान के घर कारोबार शादी चेहरा कपड़ा इससे धक्के खा रहा है, जिस पाक तरीके और पाक दीन के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के धक्के खाए, ये कितनी रोने की बात है। इसी बिना पर पूरी दुनिया परेशान है, हमारी वजह से परेशान है कि मुसलमान ने हुजूर के तरीके को धक्का मारा है। इस यतीम दीन को गोद में लेने वाला कोई नहीं रहा। हजरत अली माने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम की हालत में जब गोद में दिया तो दोनों छातियां दूध से भर गई, ऊँटनी के थन दूध से भर गए, जानवर के अंदर ताकत आ गई,
सारी औरतें पीछे रह गई या आगे बढ़ गई।